हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण पटवा। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में 63 विभिन्न शिक्षकीय पदों पर नई रिक्रूटमेंट भर्ती 2021 के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही 10 जिलों में विभिन्न अलग अलग पदों पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और सूची के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक आवश्यक जानकारी, वीडियो के नीचे सभी नोटिफिकेशन और सूची का लिंक नहीं आ पाता है, जिसके कारण आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां आप सभी को सभी नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रायगढ़ जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा पदों पर भर्ती हेतु यहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रायगढ़ जिले के स्वीकृत स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल रायगढ़, उसौर, बरमकेला, सारंगगढ़, खरसिया, तमनार, लेलुगा, घरघोड़ा एवं धर्मजयगढ़ में शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जाना है। विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से यहां चयन किया जाएगा। विज्ञापित पदों का विवरण आप यहां पे देखेंगे। पद का नाम व्याख्याता शिक्षक मिडिल स्कूल, सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल। पदों की विषयवार संख्या आप यहां पे देख सकते हैं। साथ ही आरक्षित वर्ग हेतु यहां पे सीटों का विवरण भी देखेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद हेतु आपका क्या होने वाला है, उसका भी विवरण आप सभी को यहां देखने को मिलेगा। आप सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से देखेंगे, उसके बाद ही आप सभी आवेदन करेंगे। यहाँ प्रत्येक पद हेतु आपका संविदा मासिक मानदेय राशि क्या होगा, उसका विवरण आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है। ऑनलाइन आवेदन आप सभी को गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप सभी को करना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/6/2021 है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर सेंट जेवियर हाई स्कूल बोर दादर रोड परीक्षण हेतु मूल अंक सूची एवं प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना है। दस्तावेजों का परीक्षण साक्षात्कार स्थल पर करने के उपरांत ही साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। यहाँ पे साक्षात्कार किस दिनांक को किया जाना है, उसका विवरण एवं समय आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिनके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप सभी उसके माध्यम से नवीन पंजीकरण और नवीनीकरण भी कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में की जाएगी। उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। नीचे आप सभी को आवेदन पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा, जहां पे आपको सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति यहां पे चस्पा करना है। साथ ही यहां पे जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं, सारी डिटेल्स को बिना काट छांट और त्रुटिपूर्ण भरना है। उसके बाद निर्धारित तिथि को इस आवेदन फॉर्म एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 29 जून 2021 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं तथा उसके बाद प्रथम चरण के लिए अहरकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पात्र योग्य उम्मीदवारों की सूची जिले के वेबसाइट में दिनांक 30 जून 2021 को प्रदर्शित किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला में कार्यालय कलेक्टर खनिज संसाधन न्यास दंतेवाड़ा हेतु विज्ञापित पद विकास सहायक संविदा के लिए पात्र अपात्र आवेदकों की सूची यहां पे जारी किया गया है। सूची में किसी भी प्रकार का आपत्ति होने की स्थिति में अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 में दिनांक 28/6/2021 5 बजे तक आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कोंडागांव जिले में निविदा आमंत्रण सूचना यहां पे जारी किया गया है। जिला कोंडागांव के अंतर्गत संचालित उड़ान आजीविका केंद्र के प्रबंधन एवं उत्पादों का विपणन तथा आजीविका गतिविधियों से संबंधित कौशल विकास कार्य हेतु तकनीकी सलाहकार एजेंसी के लिए आमंत्रण जिला पंचायत कोंडागांव हेतु यहां पे जारी किया गया है। रुचि की अभिव्यक्ति के तहत इच्छुक फर्म संस्था से उक्त कार्य के लिए मोहरबंद निविदा दिनांक 22/7/2021 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्त एवं अन्य दस्तावेजों के संबंध में आप सभी जिले के वेबसाइट में अवलोकन कर सकते हैं। निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 22/7/2021 को साय 5 बजे तक, निविदा खोलने की तिथि एवं समय 26/7/2021 को साय 4 बजे। निविदा खोलने का स्थान जिला पंचायत सभा कक्ष में होगा। कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन व प्रतीक्षा सूची जारी किया गया है। साथ ही मितानिन से ANM भर्ती परीक्षा की सूचना भी यहाँ पे जारी किया गया है। दुर्ग जिले में संकल्प परियोजना अंतर्गत जिले में काउंसलर पद के रिक्त पदों पर दावा आपत्ति निराकरण एवं पात्र आवेदकों की सूची जारी किया गया है। बेमेतरा जिले में प्रशिक्षित मितानिन हेतु आरक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद पर विभागीय समिति
परीक्षा आयोजन के संबंध में यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बलौदा बाजार भाटापारा जिले में जिले के 5 विकास खंडों के नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम में संविदा भर्ती हेतु सूची क्रमांक 1 एवं सूची क्रमांक 2 का प्रकाशन सूची यहां पे जारी किया गया है। आप सभी अपने आवेदित पद के अनुसार यहां से सूची को डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ ही आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से भी ये सभी सूची डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोरबा जिले में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं दावा आपत्ति हेतु सूचना यहां पे जारी किया गया है। आप सभी इसे जिले के वेबसाइट एवं टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शक्ति के अंतर्गत सहायक शिक्षक भाषा समूह एवं व्याख्याता वाणिज्य पद पर नियुक्ति आदेश यहाँ पे जारी किया गया है। आप सभी जिले की वेबसाइट एवं टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके देख सकते हैं। जसपुर जिले में संकल्प परियोजना अंतर्गत काउंसलर के चयन हेतु पात्र आवेदनकर्ता के दस्तावेज परीक्षण एवं साक्षात्कार के संबंध में यहां पे सूचना जारी किया गया है, जिसे आप सभी जिले के वेबसाइट एवं टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। सूरजपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संशोधित मेरिट सूची परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मेरिट सूची एवं डेंटल असिस्टेंट के पात्र अपात्र सूची कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर द्वारा जारी किया गया है। आप सभी समस्त सूची जिले के वेबसाइट एवं टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में भर्ती से संबंधित जो भी नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सारी सूची आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आप सभी हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे SMS करें, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एवं दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।